एक सर्वे के मुताबिक लगभग 2/3 शादीशुदा महिलाएं इस तरह के उत्पीड़न की शिकार होती हैं। रिश्तों के मायाजाल में उलझी घरेलू हिंसा की यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर हरदोई की, जहां एक परिवार ने मिलकर घर के एक कमरे को जेल में बदल दिया। घर की बहू को उस कमरे में कैद कर दिया। वो बहू जो अभी एक महीने पहले ही आंखों में न जाने कितने सपने सजोए दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। तो ये है तुम्हारा और हमारे लल्ला जी का कमरा। बैठो दुल्हन। वो कहते हैं ना कि अगर कोई घर में अपने मन की बात कहने वाला सुनने वाला हो तो जिंदगी बड़े आराम से कट जाती है। औरों का तो पता नहीं, पर हाँ तुम अपने मन की बात मुझसे जरूर कह सकती हो, है ना? आज तुम्हें ऐसे सादे बिस्तर पर बिठाते हुए मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगता, पर अब लल्ला जी को कौन समझाए। कहते हैं कि मुझे ये फालतू के चोचले बिल्कुल पसंद नहीं, अब उन्हें कौन समझाए कि शादी ब्याह पे साज सज्जा नहीं होगी तो फिर कब होगी। भाभी, पापा ने बताया हमें आपके बारे में, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। दुल्हन, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, अब नसीब में जो लिखा के आए हैं वो तो होना ही है। खैर, तुम इन सब की चिंता छोड़ो, आज तो तुम्हारे सपनों की रात है, उसकी चिंता करो, है ना? बड़ी जल्दी में लग रहे हो लल्ला जी। हाँ, उठ गए लल्ला जी। वो चादर, सॉरी भाभी, वो टाइम का पता ही नहीं चला। अरे नई नवेली दुल्हन हो लल्ली, आज तो कितनी भी देर करती ना तो कुछ ना कहती तुम्हें। भाभी आप जाइए, इनका सामान हम दे देंगे इन्हें। हाँ हाँ, अब लल्ला जी का सारा काम तुम्हें ही तो करना है, कब कैसे क्या करना है तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगी। तुमसे बड़ी हूँ घर में, और अब जब तुम आ गई हो तो मुझे भी तो आराम करना चाहिए, क्यों? अच्छा, रात को लल्ला जी सोफे पे ही सोए थे क्या? हाँ भाभी। अरे शादी की थकान होगी, उतरते उतरते वक्त लगता है, और वैसे भी सारे काम लल्ला जी को ही तो करने पड़ते हैं। हाँ तुम चिंता मत करो। अच्छा सुनो, आज घर में दुल्हन का पहला दिन है। हाँ, आंगन में गुसल खाना है, जाके जल्दी से नहा लो, और उसके बाद घर में सबके लिए कुछ मीठा बना देना। हाँ चलो जाओ।
अरे लल्ला जी रुको, खुश रहो बेटा, दूधो ना पूतो फलो। भाभी मैं जल्दी से खीर बना के लाती हूँ। खीर तो मैंने बना दी है दुल्हन, वो लल्ला को जल्दी निकलना था ना, तुम बस एक काम करो, तुम सबको मीठा खिलाने की रसम पूरी कर दो बस। अम्मा ने बताया नहीं हमको मीठा पसंद नहीं है, हमको शुरू से चटपटे की आदत है। दुल्हन का दिल रखने के लिए अगर एक चम्मच चक लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा लल्ला? आप ना किसी का दिल रखने के लिए भी झूठ बोल नहीं सकते। मरने के बाद भगवान को मुंह भी दिखाना है, क्या कहेंगे वहां कि खूब झूठ बोल कर आए। चलते हैं। और हाँ शाम को जल्दी टाइम से आ जाना, नई दुल्हन की जब तक आवाज नहीं खुलती इनके मन का हाल हम ही आपको बता देते हैं। ठीक। बेटा अड़ोस पड़ोस वाले सब तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आते होंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ अम्मा ब्याह शादी की सारी रस्में आज ही खत्म कर लीजिए, ये रोज रोज मेहमानों का घर में आना जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं। अम्मा जी नमस्ते, चला मैं भी तो देखू अपनी छोटी भाभी को। अरे वाह अम्मा जी, आपकी छोटी बहू तो बड़ी भाभी से भी बहुत सुंदर है, और मैंने सुना है कि पढ़ी लिखी बहुत है, ये अच्छे से संभालेगी आपके घर परिवार को। अंजलि का पति राघव एक ट्रैवल एजेंट था, वो तीर्थ यात्रियों को चार धाम की यात्रा पर भेजा करता था। शादी की पहली रात राघव का बिस्तर से उठकर सोफे पर सो जाना, ससुराल में पति का पत्नी के हाथों परोसी खीर खाने से इनकार करना, अपने प्रति राघव का ये उपेक्षा भरा रवैया अंजलि को समझ नहीं आ रहा था। आखिर माजरा क्या था, कहीं ये शादी राघव की मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई थी, या फिर कहीं शादी में अंजलि के घर वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई थी। अंजलि को अपनी ससुराल में अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी ओर आस पड़ोस के लोग उसकी तुलना सक्सेना परिवार की बड़ी बहू पूनम के साथ कर रहे थे, पूनम जिसका पति उसे 2 साल पहले छोड़कर चला गया था। एक तरफ पूनम की जिंदगी का ये सूनापन, दूसरी तरफ राघव का ये व्यवहार, अंजलि को यह सब काफी अजीब लग रहा था। आ गए आप, हम आपके लिए चाय लाते हैं। चाय। लल्ला जी आपके दफ्तर से फोन है किसी का। अच्छा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमसे कोई गलती हुई है क्या? मेरा मतलब देखो, पूरा हफ्ता खाली निकला है, तीर्थ यात्रियों के लिए एक भी बस रवाना नहीं करा पाए, मौसम खराब चल रहा है और हमारा दिमाग भी इधर से सर फटा जा रहा है। अब तुम हमारा दिमाग और खराब मत करो।
ये मैं कर रही हूँ। तुम जाके खाना बना लो दुल्हन। वैसे भी लल्ला ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। अब आप मेरी चिंता ना किया करें। यहाँ अम्मा और भाभी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। और दामाद जी? वो भी। चलो मम्मी, हम रखते हैं। हम जल्दी आएंगे मिलने। अभी मुझे इनके साथ निकलना है। बाद में फोन करती हूँ। बाय। पानी? रख दो। हम तैयार हैं, चले? कहाँ? शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं लल्ला जी, और आप दुल्हन को कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। हर रोज घर में बंद संवर कर बैठे रहने का क्या मतलब है? आज दुल्हन को अपने साथ लेकर जाइए और कहीं घुमा कर लाइए। दुल्हन को हम ही ने कहा था तैयार होने के लिए। बेचारी जब से शादी करके आई है घर के कामों में ही लगी रहती है। काम धंधा छोड़कर हमारे पास इन्हें घुमाने का समय नहीं है। काम तो आप रोज ही करते हो लल्ला जी, लेकिन दुल्हन को समय देना भी तो आप ही का फर्ज है ना। तो ठीक है, आप कहती हैं तो इन्हें घुमाने का फर्ज पूरा कर लेते हैं, लेकिन कल से कमाने के लिए हमारी जगह इन्हें काम पे भेजिएगा, और अगर बिजनेस के काम में कुछ गड़बड़ी हुई ना तो होने दीजिए। चलिए। अरे हमें क्या पता था लल्ला जी कि इतने कामों में व्यस्त हो। अगर ऐसा है तो आप दुल्हन को क्या घुमाने ले जाओगे? आप रहने दो, अपना काम करो। अम्मा, अम्मा आप अपने साथ अपनी दुल्हन को भी लेके जाओ ना घुमाने के लिए। बेचारी हमारे कहने से ही लल्ला जी के साथ जाने को तैयार हुई थी। पर बेटा मैं तो मंदिर जा रही हूँ। तो क्या हुआ अम्मा जी, बहू को भी अपने साथ लेकर जाओ। आपके साथ जाएगी तो उसका दिल भी लग जाएगा और आस पड़ोस वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। दुल्हन तुम अम्मा जी के साथ जाओ, और हाँ घर की और खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगी। बात है दुल्हन, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। लल्ला जी ने कुछ कहा क्या? पराया समझती हो हमको? वो भाभी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमसे कोई गलती हुई है क्या? वो हमसे फासला बना के चल रहे हैं। कहने को वो हमारे साथ एक कमरे में तो रहते हैं, पर हमारा कोई उनके साथ ऐसा संबंध नहीं है। भाभी तुम चिंता क्यों करती हो? नया घर है, नया रिश्ता है, एक दूसरे को जानने समझने में वक्त तो लगता ही है। खैर, हम लल्ला जी को समझा। भाभी क्या हुआ? बहू, बहू आराम करो, आजा बेटा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आ रही है। ठीक अम्मा, पर
भाभी को अचानक हुआ क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, मौसम बदल रहा है ना, उसी से तबीयत बिगड़ गई होगी। बेटा मैं ना सुबह कुछ सब्जियां लाना भूल गई थी, तू एक काम कर बाजार चली जा और कुछ ताजी सब्जियां ले आ, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है। हाँ ये ले, जल्दी आना बेटा, खाने का समय हो रहा है ना। तू भाभी की चिंता मत कर, मैं और राघव है उसकी देखभाल के लिए। देखिए घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में कभी कभी वीकनेस की वजह से थोड़े बहुत चक्कर सा हो जाता है। बाकी इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, अभी इनकी डिलीवरी में 5 महीने बाकी है। धन्यवाद, चलते। पूनम का पति यानी राघव का बड़ा भाई 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुका था, फिर अचानक पूनम का गर्भवती होना चौंकाने वाली बात थी। कौन था इस बच्चे का पिता? क्या वाकई पूनम के साथ कोई हादसा हुआ था या फिर बात कुछ और थी जिसे राघव और उसकी माँ अंजलि और समाज से छिपा रहे थे? लेकिन अम्मा, बड़े भैया को घर से गए तो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भाभी का माँ बनना, भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ है? अम्मा बहुत तकलीफ में है और अपनी तकलीफ वो किसी को नहीं बताती। इसका मतलब भाभी ने इस बारे में किसी से? भाभी मुझसे कुछ नहीं छुपाती, मैं उनसे एक बार बात करके देखती हूँ कि उनके साथ हुआ क्या है, उनको किसी ने धोखा। अंजलि, इस बारे में उनसे भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें इस बारे में पता होना चाहिए। वक्त आने पे जो पता चलना है चल जाएगा। भगवान के लिए जो कहा है उसको समझ लो। इस बारे में बात करके उन्हें किसी गुनाह का एहसास कराने की कोई जरूरत नहीं। और अगर इतनी चिंता है ना तो उनका ख्याल रखो, बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। एक नई नवेली दुल्हन के दिमाग में अपनी ससुराल को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अपने इन सवालों का जवाब अंजलि को अपने इस नए परिवार से नहीं मिल रहा था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अंजलि के लिए रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा थी और उसे अपने माता पिता से मुश्किल घड़ी में अपनों के काम आने की सीख मिली थी, इसीलिए उसके मन में पूनम के प्रति वाकई सहानुभूति थी। और जब उसे पूनम की प्रेगनेंसी की बात पता चली तब तो उसने पूनम की देखभाल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भाभी को यहाँ लाना था, आप मुझे कह देते। रहने दो, हम कर लेंगे आराम से। हमारा यकीन कर, बहुत जल्द सब ठीक हो जाए। हम वादा करते हैं कि कोई आंच नहीं आने देंगे, ना आप पर ना इस बच्चे पर। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी। पूनम गर्भवती है इस बात से तो अंजलि चिंतित थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि यह बच्चा किसी और का नहीं स्वयं उसके पति का है, इस बात ने उसे हिला कर रख दिया। अपनी जबान पर लगाम दो। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो मेरी जिंदगी दांव पे क्यों लगाई? क्यों लाए मुझे इस घर में दुल्हन बनाकर? क्यों लाए आप दोनों अपने प्यार के बीच में मुझे? बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब चाहिए तो सुनो, हम तुम्हें इस घर में इसलिए लेकर आए ताकि इस घर की बात घर में ही रह जाए। ये बच्चा हम दोनों का है और हमने तुमसे इसलिए शादी की ताकि इस बच्चे को समाज मेरे और तुम्हारे बच्चे के रूप में देखे। हम नहीं चाहते कि ये समाज हमारे रिश्ते के बारे में तरह तरह की बातें करे, हमारे परिवार पर उंगली उठे, इसीलिए हमने तुमसे शादी की। तो आखिर उस सच से पर्दा उठ ही गया जिससे इस घर की बहू के अलावा पूरा परिवार वाकिफ था। अंजलि गरीब परिवार से जरूर थी लेकिन कमजोर नहीं थी, पढ़ी लिखी और बेहद खुददार लड़की थी। उसे अपने परिवार से सच के लिए जीने और लड़ने के संस्कार मिले थे। पूरे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, हमें नहीं रहना यहाँ। हमने कभी नहीं सोचा था
कि हमें इस परिवार में सिर्फ नाम के लिए दुल्हन बना के लाया गया है। अपने पाप को छुपाने के लिए मुझसे रिश्ता जोड़ा गया है। इस अन्याय के खिलाफ मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। कल सुबह तक सबको पता चल जाएगा कि इस घर में क्या घुल खिलाए जा रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी, चुप नहीं बैठूंगी। समझाने के बावजूद भी लल्ला जी की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। हंगामा करोगी, सबको बताओगी कि सच्चाई क्या है। लल्ला जी और इनके परिवार को बदनाम करके ही दम लोगी। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो क्या लगता है तुम्हें कि हम डर गए हैं? अरे ये सब तो तुम तब करोगी ना जब हम तुम्हें इस घर से बाहर कदम रखने देंगे। लल्ला जी ये प्यार से मानने वालों में से नहीं है। इनका इलाज तो कर रहा ही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये शादी हम इसी शर्त पे कराए हैं कि लल्ला जी पे पहला हक हमारा होगा, हमारा। लड़का तीर्थ यात्रियों को चार धाम की यात्रा पर भेजता है, बहुत ही तहजीब और संस्कार वाला है। सब बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कोई हमारे खून पर उंगली उठाए ये हमें मंजूर नहीं। अंजलि बेटा, दामाद जी की भाभी को मिल के आई हूँ, बड़ी सीधी है वो। समझाने के बावजूद भी लल्ला जी की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। राज करेगी तू वहाँ, पर तेरी सास बिल्कुल तेरी माँ जैसी है। अम्मा देखा आपने क्या हो रहा है इस घर में आपकी पीठ के पीछे? सब पता है मुझे। देश में 70% शादीशुदा महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2009 से 2011 के बीच औरतों पर होने वाले जुल्म और हिंसा के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। अपनी भाभी के साथ नाजायज रिश्ता कायम किया अंजलि के पति राघव ने और उन दोनों के किए की सजा भुगतनी पड़ रही थी अंजलि को। जिस घर में अंजलि बहू बनकर आई थी आज उसी घर में बंदी बनकर रह रही थी। राघव के जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ बढ़ती जा रही थी अंजलि की अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत। हेलो, मैं अंजलि का पापा बोल रहा हूँ बेटा। बाबूजी अभी हम आपके बारे में ही सोच रहे थे, बहुत लंबी उम्र है आपकी। हम तो तुम्हें रोज याद करते हैं बेटा। कई दिनों से अंजलि से बात भी नहीं हुई है। लगता है ससुराल जाकर मायके को तो बिल्कुल भूल ही गई है। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, भला अपने माँ बाप को भी कोई भूल सकता है क्या? अंजलि को लेकर हम आपसे मिलने खुद आएंगे। हाँ लेकिन जरा बात तो कराओ उससे बेटा। बाबूजी वो घर पे होती तो अभी आपसे ही बात कर रही होती। वो क्या है कि वो भाभी के साथ सिनेमा देखने गई है, जैसे आती है आपसे बात करवाता हूँ। अच्छा हाँ बाबूजी, अम्मा को भी हमारा प्रणाम कहिए। हाँ हाँ कहता हूँ। हाँ ठीक। हेलो 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 पापा जी, पापा जी हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। पापा जी ने हमको बंदी बना के रखे हैं। पापा जी प्लीज हमको बचा लीजिए पापा जी। यही कहना चाहती थी ना अपने पापा जी से। तुम हमको ठीक से जानती नहीं हो। इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। और लल्ला जी अगर हमारे नहीं हुए ना तो हम उन्हें किसी का नहीं होने देंगे। समधन जी, समधन जी आप अचानक बिना खबर किए? बस यहाँ पास से आए थे अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में, सोचा अपनी बेटी से भी मिलते चलते हैं। आइए ना आइए। राघव बेटा, बहू के मम्मी पापा आए हैं। राम बाबूजी जीते दो बेटा। मैं चाय बना के लाती हूँ। समधन जी आप जानते हैं कि हम बेटी के घर का कुछ खाते नहीं,
और दो दो बहू होते हुए आप चाय बनाने को जाओगे? अंजलि कहाँ है? आपने एक बार अगर फोन कर दिया होता ना तो मैं अंजलि को रोक लेता। वो भाभी के साथ बाजार गई। बेटा कुछ नहीं, वो बिल्ली फिर कमरे में घुस गई होगी, उसी ने कुछ तोड़ा होगा। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ। अच्छा बेटा हम चलते हैं। पर चाय तो ले लेते। नहीं आज नहीं, फिर कभी, अगली बार बता के आएंगे। ये घर में जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। मान जाओ ना। देखो तुम्हें इस घर में वो सब कुछ मिलेगा जो एक बीवी को मिलता है। अच्छा एक काम करते हैं, महीने में दो हफ्ते तुम्हारे दो इनके। देखो हमसे गलती तो हुई है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। हम तुमसे आग्रह करते हैं मान जाओ, परिवार की इज्जत का सवाल है। हम जानते थे तुम हमारे परिवार पे कभी कलंक नहीं लगने दोगी। हमारे भी कुछ सपने हैं जो हमने आपके साथ बिताने के लिए देखे। आपका साथ चाहिए हमें, हम भी इंसान हैं, पत्थर का दिल नहीं है हमारा। अचानक अंजलि ने राघव की बात कैसे मान ली? क्या वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से घबरा उठी थी? क्या वाकई उसने घुटने टेक दिए थे या फिर अपनी जीत की राह में पहला कदम उठाया था उसने? चेहरा कैसा पीला लग रहा है आपका, तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। तुमने दवाइयां नहीं ली होगी? दवा खा लो और आराम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाए। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भाभी को आपकी जरूरत है, आप उनके साथ जाइए। चलो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते ना? अरे एक दिन भी सबर नहीं होता आपसे। आखिर हो तो मर्द ही, अरे ऐसा क्या रह गया जो मुझसे नहीं मिला? हमने उसके सामने तुमसे कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, इसके बाद भी ऐतबार नहीं होता? और क्या कहते हैं, मर्द है सबर नहीं होता। हाँ तो नहीं होता है, हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। और वैसे भी वो बीवी रखती है हमारी, आधा महीना साथ देने का वादा किए हैं। हमारे इतना करने के बाद भी अगर तुम्हें आपको रक्षा हो रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और जो मुझे करना है वो हम करेंगे। अब लल्ला जी पे इतना भी हक नहीं रहा हमारा, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? खाना या जहर? खाना तो मैंने बनाया है। आज के बाद खाना अंजलि बनाएगी।
मुझे मालूम है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन लल्ला जी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तुम इस घर में हमेशा दूसरी औरत बनके ही रहोगी। ले बेटा, हो गया। अरे बहू, क्या हुआ? देख तो भाभी, क्या हुआ? आपको कुछ नहीं होगा भाभी। अम्मा आप उन्हें फोन कर दे, उन्हें बोले जल्दी से क्लिनिक पहुंच जाए। हम भी भाभी को लेकर जल्दी से निकल ही रहे हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है। चलिए भाभी। को खाना खाया था? नहीं, खाना नहीं खाया। डॉक्टर कैसी तबीयत इनकी? ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं, अब नॉर्मल। ऐसी हालत में ये सब कुछ होता है, और आज दोपहर को इन्होंने खाना ही नहीं खाया। प्लीज इनके खाने पीने का खास ख्याल कीजिए, मैं दवाई लिख के देती हूँ। हाँ। अम्मा अंजलि कहाँ है? वही तो हमें लाई थी बेटा, दिखाई नहीं दे रही। मौका देख के निकल ली, पर आप चिंता ना करें, भाग के जाएगी कहाँ? आप इन्हें लेके घर जाइए, हम उसे लेकर आते हैं। आराम से। राघव तुम अकेले आए हो? अंजलि कहाँ है? वो बहू जी, अंजलि पहुंची नहीं? नहीं तो क्या मतलब, अंजलि अकेले आने वाली थी? अरे माफ कीजिएगा बहू जी, वो दरअसल मैं अंजलि को ठीक से फोन पर समझा नहीं पाया। वो क्लिनिक पर भाभी का चेकअप करवाकर घर ही चली गई हो। भाभी की तबीयत खराब है? नहीं नहीं, वो नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है ना, वो करवाना था। अच्छा बाबू जी, मैं कल अंजलि को पक्का आपसे मिलने के लिए लेकर आता हूँ, है ना? मैं चलता हूँ, घर पर मेरा इंतजार कर रही हो। और पहुंच के फोन कर लेना। जी जी बिल्कुल। कम समय में तेरे साथ उस घर में इतना कुछ हुआ, तूने हमको बताया तक नहीं। कैसे बताती? उन लोगों ने हमारी बेटी को घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था। आप हमेशा कहते हैं ना पापा कि न्याय सहने वाला उतना ही दोषी होता है जितना न्याय करने वाला। मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है पापा, मैं पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगी, उनको सजा दिलवा कर आऊंगी। पापा हम तेरे साथ है बेटा, चिंता मत कर। जी अंजलि, यही है हमारी पत्नी इंस्पेक्टर साहब। हमने आपसे कहा था ना कि वो यहीं पर मिलेगी, हमेशा भागकर अपने मम्मी पापा के शरण में आ जाती है। और ये लोग भी ना, हमारा घर बसने से पहले उसे उजाड़ने पर ही तुले हो। पर इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट बताने के लिए अंदर आ सकता हूँ? आइए। पिछले दो महीनों में मैंने जो सहा है ना इंस्पेक्टर साहब, वो कोई मर्द नहीं सह पाता। अरे क्या क्या नहीं बोला है इसने मुझे। इसके शक की वजह से इसने मेरे और मेरे भाभी के पवित्र रिश्ते तक को नहीं छोड़ा। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब, मैं तो दीवानों की तरह प्यार करता हूँ अंजलि से, और इसीलिए अब तक चुपचाप सब कुछ सहता रहा। मुझे पता था पति हूं ना, इसलिए मेरे कंप्लेंट को गंभीरता से नहीं लेंगे आप लोग। लेकिन इसने तो अपनी शक की हद ही पार कर दिया।
मेरे भाभी के खाने में ना जाने इसने क्या मिला दिया। वो तो सही समय में दवा मिल गई, वरना कुछ अनर्थ हो जाता आज। तो अब क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर को लेके आए हो, क्या इरादा है तुम्हारा? बाबूजी, हम अंजलि से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं ये जो बार बार आप अंजलि को शह देते हैं ना, ये देना बंद करें, ताकि ये अपने परिवार में सबके साथ घुल मिलकर रहना सीखे, हमें अपना परिवार माने, हम पे शक करना बंद करें और आज भाभी से जाकर माफी मांगे। देखिए, मैंने इनकी कंप्लेंट लिख ली है। आपकी बेटी अंजलि की हरकत की वजह से इनकी भाभी की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। इसके बावजूद इनके मना करने पर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सावधान कर रहा हूं, आइंदा आपकी तरफ से या आपकी बेटी अंजलि मैडम की तरफ से इन लोगों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और इनको अगर अंजलि से इतना ही खतरा है तो क्यों रहना चाहते हैं अंजलि के साथ? प्यार तो अंधा होता ना बाबूजी, और आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर कुछ समय तक आप हमारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे ना, तो हमारा घर बस जाएगा। अंजलि, घर चलो। देखो, तुम घर चलो, हम तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करते हैं। बस हमारा साथ दो अंजलि, हम पर विश्वास करो। ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ चलें। आपके सामने ही माफी मांगी जाएगी, ताकि इनको आगे कोई कंप्लेंट का मौका ना मिले। ठीक है, चलिए चलिए। तूने आज जो किया वो लल्ला जी ने तो माफ कर दिया, मगर मैं कभी माफ नहीं कर सकती। अरे, तेरी वजह से आज इस घर में पुलिस तक आ गई, शर्म नहीं आई तुझे? इंस्पेक्टर साहब, पिछले 2 साल से इनके पति गायब है और ये बात पूरा मोहल्ला जानता है, तो फिर ये 4 महीने से प्रेग्नेंट कैसे? क्या आज तक आपके साथ? हमने भी यही सोचा था कि शायद इनके साथ कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये बच्चा मेरे पति का है, जिनका संबंध मेरे साथ नहीं, इनके साथ है। इन रिपोर्ट्स के पीछे सच्चाई क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ बोल रही, ये शक कर रही है हम पर। तो फिर पूनम के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? मेरे बेटे का, राघव का। हम आज तक चुप रहे क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे के सहारे थे, कहां जाते हम? पर सच तो यही है कि अत्याचार राघव पर नहीं, अंजलि पर हुए हैं। अम्मा, ये क्या कह रही हो? बस बहुत हो गया, तुम दोनों के संबंध पर पर्दा पड़ा रहे, इसलिए हम इस बेचारी को ब्याह करके इस घर में ले आए। तुमने इस पे इतने अत्याचार किए, हम चुप रहे, पर सच तो यही है ना कि अंजलि के गुनाहगार हम भी हैं। अकेली हो गई थी हम, पति का प्यार तो पहले ही चला गया, अगर लल्ला जी ने हमारी जिंदगी में वो कमी पूरी कर दी तो क्या गलत किया? बच्चा गिराते तो जान को खतरा था, इस घर की इज्जत बनी रहे, इसके लिए हम तुम्हें इस घर में ब्याह कर लेके आए, ताकि हमारे बच्चे पर कोई उंगली ना उठा सके। दुनिया की इतनी ही परवाह थी तो रिश्ता क्यों बनाया? और अगर रिश्ता बनाया तो उसको निभाने की हिम्मत भी होनी चाहिए थी। मुझे इस झूठे रिश्ते में डालकर पुतली की तरह इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं था आपका। आप सबने जो अत्याचार मेरे साथ किए हैं, आप सबको उसकी सजा मैं दिलवाकर रहूंगी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता औरतों को अपने पति और उसके परिवार का आदर करने की सीख देती है, इसीलिए कई बार मुश्किल हालात में महिलाएं खुद पर होने वाले अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं, ये सोचकर कि कहीं परिवार की इज्जत समाज में खराब ना हो। लेकिन चुप बैठने से समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टे समस्या और बढ़ती है।
जरूरत है तो जुल्म के खिलाफ मजबूत आवाज उठाने की, पक्के इरादे के साथ कदम बढ़ाने की। आईपीसी की धारा 498A के तहत अगर किसी स्त्री पर उसका पति या पति का कोई भी सगा संबंधी किसी भी तरह का अत्याचार करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। राघव, उसकी माँ और पूनम को इसी सेक्शन 498A के तहत सजा सुनाई गई। तो आइए, समाज में फैली इस हिंसा और रिश्तों को यूं नीलाम करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठे, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, क्योंकि हमारी चुप्पी अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी संघर्ष भरी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।